शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सोनिया, क्या हुआ? हम तो बाजार जा रहे थे, अचानक इन दोनों को इन्हें से लाते हुए देखा। मैं पानी लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी बैठो। क्या हो गया? सोनिया, ओ, रास्ते में चार गुंडे नशे की हालत में सोनिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो इसने बहुत बहादुरी दिखाई और वहां से बच निकली। सोनिया बेटा, तुम उन लड़कों को पहचानती हो? और तुम लोग उसे यहां क्यों पहले लाए? अरे थाने ले जाते, इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। बुआ जी, अभी सोनिया की ऐसी हालत नहीं है कि वो पुलिस को कुछ बता सके। हाँ हाँ ठीक है, उसे आराम करने दीजिए और हम ना इनके मम्मी पापा को फोन करके बुला लेते हैं। हाँ। नहीं वो आंटी, उन्हें क्यों बुलाना है? बेटा वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तो उन्हें बताना तो होगा ना। नहीं उन्हें मत बुलाइए, पापा की तबीयत ऐसी खराब रहती है और उनका शहर को लेकर डर और बढ़ जाएगा। बीपी की दवाई भी चल रही है उनकी, उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो। अरे सोनिया शांत हो जाओ प्लीज। तुमसे बिना पूछे तुम्हारे घर वालों को कोई कुछ नहीं बताएगा, ठीक है? बैठ जाओ, बैठो बैठो। हम तुम्हारा चोट देखते हैं। जाओ आरती, दवा का डब्बा लेके आओ। जी। अब भाई 2 मिनट इधर आएंगे। हाँ। सोनिया देखते कहाँ चोट आई है। अभय, अभी आप ऑफिस जाइए और किया को वो डिजाइन्स दे दीजिए। कोशिश करिएगा कि आप घर जल्दी आ जाएं। मैं सोनिया का ध्यान रखती हूँ। हाँ ठीक है। हमारा तो ना श्राप है उन लड़कों को, उनको तो ना सपने में मौत नजर आए। तुम ना बस उनकी शक्लें पहचान लेना, थाने में उन्हें पकड़वाएंगे और ऐसा मार खिलवाएंगे बता रहे। बुआ जी, हम तो बस अपने आप को छुड़ाने में लगे थे, हमें तो अच्छे से याद भी नहीं है। वो शायद 2-3 लड़के थे। क्या? एक मिनट, 2 थे या 3 थे? श्रद्धा तो बता रही थी 4 थे। बुआ जी हम बहुत डर गए थे, तो हमें कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो नीचे चलते हैं, आराम करना। चलो आ जाओ।
संभल के। एक मिनट ताई जी। ताई जी, मैं सोनिया का सामान यहाँ ऊपर ले आई हूँ, वो यहाँ पर आरती के कमरे में रहेगी। ठीक है बेटा, चलो आओ, देरी से संभल के। हमें कोई ना कोई गड़बड़ नजर आ रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बुआ जी, कुछ तो गड़बड़ है। सोनिया तुम यहां आराम करो, तुम्हारे लिए नाश्ता मैं यही ले आती हूँ। श्रद्धा, क्या हुआ सोनिया? श्रद्धा, मैंने तुम्हें हमेशा तंग किया, हमेशा तुम्हारे खिलाफ रही, उसके बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। श्रद्धा, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? सोनिया, मैं उन सारी बातों को कब का भूल चुकी हूँ। इस वक्त तुम्हें अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। आगे की लड़ाई आसान नहीं है, पर ये कभी मत भूलना कि हम सब हैं तुम्हारे साथ। चलो तुम अभी आराम करो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। तनुजा, हम भी अब नीचे चलते हैं, क्योंकि कीर्ति को खाना देके दवाई भी तो देनी है ना। तनुजा, कुछ अगर लगेगा तो बता देना। क्या हो गया आज हमारी छोटी भाभी को? काहे इतनी बेचैन घूम रही है, क्या हो गया? अरे ऋतु, हम समझ सकते हैं कि सोनिया के साथ जो भी हुआ गलत था, लेकिन श्रद्धा को क्या जरूरत थी उसे ऊपर ले आने की? ठीक ठाक तो नीचे रह रही थी, तीन चार दिन में ठीक भी हो जाती। एक मिनट मम्मी जी, मम्मी जी, ताई जी का अभी सारा ध्यान कीर्ति के ऊपर है, जो कि अभी होना भी चाहिए। अब ऐसे में अगर हम सोनिया को यहां पर ले आएंगे तो उसका हम अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। इस वक्त उसे हमारे ध्यान की बहुत जरूरत है। सोनिया पे भी इस वक्त क्या गुजर रही है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। मम्मी जी, ये सिर्फ दो चार दिन की बात नहीं है, ये डर सोनिया के मन से इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। जब भी वो घर से बाहर कदम रखेगी, उसके मन में हर वक्त ये डर रहेगा। हर अजनबी के चेहरे पर उसे उन गुंडों का चेहरा दिखाई देगा। मम्मी जी, वो तो सोनिया बाहर तो रह चुकी, जो कि उनसे बच निकली, नहीं तो कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो कि ऐसे हादसे में बच भी नहीं पाती। माता रानी, सोनिया को शक्ति दीजिएगा कि वो अपने आप को इस सदमे से बाहर निकाल सके। मैं जानती हूँ मम्मी जी, मुझे आपसे एक बार पूछ लेना चाहिए था, लेकिन सोनिया की ऐसी हालत देखकर मुझे और बेहतर कुछ भी नहीं सूझा।
कोई बात नहीं श्रद्धा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ हमें ये बता दो कि हम सबको करना क्या होगा। बुआ जी, सोनिया को ये जख्म भुलाने के लिए हमें ये कोशिश करनी होगी, हम हमेशा उसके आसपास रहकर अच्छी बातें करें, उसके ऊपर के जख्म पर हम मरहम तो लगा देंगे, पर उसके दिल पर मरहम तभी लग पाएगा जब वो सदमे से बाहर निकल पाएगी। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो मन से खुश रहे। तो क्यों ना आज शाम का चाय नाश्ता हम लोग सब साथ में करें। मैं सोनिया के गुनहगारों को सजा दिलवा के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।